इंदौर में दीपावली पर फटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद की घटना पर एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, कोई कानून हाथ में लेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार की रात को इंदौर पहुंचे, जहां उनका सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे सहित अन्य पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट से सीधे अरविंदो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किए गए प्रसव प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कनाडा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने उसकी निंदा की है और सिख बंधुओं का अभिवादन करते हुए उन्होंने सामने आकर इस तरह की घटनाओं का विरोध किया है। कनाडा में हुई घटना की मैं कठोर निंदा करता हूँ, खास करके देश विद्रोही लोगों ने हिंदू समाज के बीच में ये जहर घोलने का काम किया है। विदेशी शक्तियां भी उसी में है। मैं अपने देशभक्त हमारे सभी सिख बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने आगे आकर के इसी घटना की निंदा भी की है और पूरा देश इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता, मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। हाथियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की आबोहवा उन्हें रास आ रही है। सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के अधिकारियों को कर्नाटक केरल जैसे ताकि ऐसी योजना बन सके कि जनहानि भी ना हो और पशु हानि भी ना हो। मैं बीते दिन रायपुर में था, उसके बाद भी आपकी जानकारी में है कि ये हाथी हमारे अपने मध्य प्रदेश की आबोहवा उनको पसंद आई है। एक तरह से पहले आते जाते थे, लेकिन आज की स्थिति ये बन गई कि अब हमारे जंगलों में, यहाँ के रहन सहन में, यहाँ के जंगलों की व्यवस्थाओं में लगभग 100 से ज्यादा हाथी अब मध्य प्रदेश के हमारे बांधवगढ़ से लगा करके उमरिया तक सभी जंगलों में स्थायी रूप से रुक गए हैं। तो प्रशासन के साथ हमने प्लान बनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथियों की सुरक्षा के लिए भी, हाथियों की रहन सहन के साथ साथ जनजीवन में भी कोई कष्ट नहीं आए, इस तरह से हम पड़ोसी राज्यों के साथ भी इसके लिए तालमेल बनाने के लिए कल मुख्यमंत्री मेरी श्रीमान विष्णुदेव साय जी से भी बात हुई। हमने निश्चय किया है कि वो अपने उनके यहाँ भी 300-400 हाथी पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बरसों पुराने कोई बात थी जब हाथी थे, लेकिन हाथी हमारे जंगलों में कभी रहते नहीं थे, लेकिन बदलते दौर में अभी ये नया समय आया है। हमारे अपने इस स्टेट के लिए तो और गौरवशाली बात है जब हम वन विभाग के माध्यम से अपने पहला देश का टाइगर स्टेट है, जहाँ सर्वाधिक टाइगर हमारे यहाँ है, लेपर्ड हमारे यहाँ है, चीता हमारे यहाँ है, ऐसे में हाथी भी हमारे यहाँ रहने लग रहे हैं, लेकिन इनकी दोनों तरह से जनहानि भी नहीं हो और पशु हानि भी नहीं हो, इसलिए हमारे प्रबंधन ऐसे रहेंगे कि आने वाले समय में जहाँ बड़ी संख्या में हाथी ऐसे कर्नाटक, असम, केरल, इन राज्यों में हमारे अधिकारियों को भी भेजेंगे, हाथी विशेषज्ञों की टीम भी बना रहे हैं, वैसे हाथी मित्र भी और बहुत सारे काम हम इस प्रकार से कदम उठा रहे हैं कि ये हमारे अगर स्थायी बसेरा बना रहे हैं तो ये जंगल की शोभा भी बनाए और अपनी मर्यादा में भी अपने अपने ढंग से सब जीवन यापन करें। वहीं इंदौर के छत्रपुरा में हुई पथराव की घटना को लेकर सीएम ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून हाथ में लेगा तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपावली के दिन हिंदू समाज पटाखे फोड़ता है तो कोई रोक नहीं सकता, और कोई रोकेगा तो यह प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहराता हूँ, मध्य प्रदेश में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति हाथ में लेता है, सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हमने दीपावली के दिन हिंदू समाज अगर पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और अगर रोकेगा तो ये मध्य सरकार को बर्दाश्त भी नहीं है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को साथ में लेकर विकास भी चाहते हैं, लेकिन ये विश्वास भी कायम रहता है कि कोई कानून हाथ में लेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कानून का शासन है, कानून के तरीके से चलेगा, कानून सबसे निपटने में सक्षम है, सरकार सक्षम है। दरअसल दीपावली पर पटाखा छोड़ने की बात को लेकर हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ था और जिसमें कई वाहनों की तोड़फोड़ की गई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।